राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। जैसलमेर में युद्धाभ्यास के दौरान एक मोर्टार बम अचानक फट गया, जिसके चपेट में 3 जवान आ गए हैं और यह जवान पूरी तरह घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दोपहर करीब 12 बजे बीएसएफ के जवान युद्धाभ्यास कर रहे थे। यह तीनों जवान अभी ट्रेनिंग ले रहे थे और रोजाना की तरह युद्ध का अभ्यास कर रहे थे और इसी दौरान एक मोर्टार बम फट गया और 3 जवान बुरी तरह घायल हो गए। इन तीनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस हादसे में जो जवान घायल हुए हैं उनके नाम उदय, सुबिमल और अभिषेक हैं और घायल जवान उदय और अभिषेक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जवान बीएसएफ के सबसे पुराने ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक जोधपुर के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे थे। यहाँ ऐसे हादसे बेहद कम होते हैं, लेकिन इस बार यह हादसा हुआ जिसके बाद पूरा बीएसएफ इसे लेकर अलर्ट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि हादसे के असल कारणों का पता लगाया जा सके। अभी तक हादसे के पीछे क्या कारण रहे इसका पता नहीं लग पाया है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।